That's the beginning of it. The actual film is really, it's about the love between the two characters, and painting and the art gallery and all these things. It does play a role in it, but it's mainly about where this person went. Oh, huh, yeah. And, yeah, no, now you are. but, wo kaisi dhoondti hai, kiske saath dhoondti hai, and how many different things she does to find him. And the character also has help in the film, which is, you know, how we move it forward. The paintings play a big role as far as, you know, that's the main thing of the film, but it's really about the love story between the two. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए. आप जो पूछ रहे हैं उसमें मेरा जो किरदार है वो एक बिजनेसमैन का किरदार है जो थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह भी करता है. उसके जहन में एक लड़की है जो बार बार आती है, जो उसकी ड्रीम गर्ल है, जिसकी वो तस्वीर उतारता है, पेंटिंग करता है. और जब वो तस्वीर मुकम्मल होती है, एकदम कम्प्लीट होती है, तब जो चेहरा है वो सनी का जो कैरेक्टर फिल्म में उससे बहुत मिलता जुलता है. तो उसकी उसको लगातार ढूंढने की कोशिश में रहता है. और जब वो मिल जाती है एक्सीडेंटली उसको, तो वो बड़ा सरप्राइज होता है. फिर वो जाके मिलता है उससे, कन्विंस करता है कि वो आके देखे कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसे तुम्हारी तस्वीर बिना तुम्हें देखे बनाई है. शी गेट्स वेरी एनामर्ड बाय द होल थिंग. एंड उसके बाद एक दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशनशिप बनता है. और जब वो प्यार हो जाता है, तब मेरा कैरेक्टर मिस्टीरियसली इनकी ज़िंदगी से चला जाता है. तो वो क्यों चला जाता है, क्या होता है, क्या सर्कमस्टेंसेज में जो कुछ हुआ है, उसके चक्कर में ये मुझे ढूंढती है, खोजती है, इंतज़ार करती है मेरा. तो वो जो सारे सीन्स होते हैं वहाँ से, वो फिल्म उसके बारे में. सनी, योर एक्सपीरियंस विद अरबाज़ सर. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. फ्रॉम डे वन व्हेन आई जस्ट वी बिकेम फ्रेंड्स फ्रॉम दोस बातें, हमने बहुत बातें की है सेट पे, बहुत मस्ती किया, वी लाफ अ लॉट, वी जोक अ लॉट. मैंने बहुत कुछ सीखा भी, एंड यू नो थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, पीपल, लाइफ इन जनरल. वी टॉक्ड अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स. सो माय एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि पूरा शूट के बाद भी we have become friends, which is very nice for me, and I'm happy that we had so much fun. Let's talk about Ronak and V. जो love story है वो आज के scenario में कितनी कारगर है, because आज लोग एक दिन का इंतजार भी नहीं करते. ये आप लोग अपने personal experience. You said it with a lot of seriousness. ये कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो भाई? अच्छा प्यार ऐसा हो गया, चलो ठीक है. तो कितनी देर इंतजार करते, कुछ घंटे? मतलब ये लव स्टोरी, मतलब अगर वो सामने उसका कम्युनिकेशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आया नहीं, तो मतलब दूसरे पे जाओ स्ट्रेट. पीपल डू दैट. आपने कितने चेंज किए अभी? मैंने अभी तक नहीं, बट पीपल डू दैट बिकॉज़ सोशल जब बात आई तो पीपल, वरना आप नहीं क्लेम करते थे, कोई नहीं वेट करता है. चलो ठीक है भाई. इट्स अबाउट योर लव स्टोरी. In this film, of course, it's a little, when you're in love, then you wait for people, you no matter what, you want to know what happened. If somebody just disappears on you, you don't say, okay, fine, next, you know. So, I guess that is what you'll have to be doing. My character is a gallery owner, and that's where Arbazki character will meet you. From there, she follows him to see this painting, like Arbaz was saying, and that's where the romance begins. And in that romance, it's not just any romance; it's the love of her life. And then one day, like Arbaz was saying, he goes missing. So that's her character.